अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मसर और साथ में बॉयल राइस। बड़े सिंपल से मसर बड़ी आसानी से बन जाते हैं। मैं इनको कुकर में नहीं गलाऊंगी, इसी तरह ही मैं इनको पकने रख रही हूँ। आधा किलो के करीब मसर है, मैंने इनको नॉर्मल टैप वाटर से धोया है और इसको पानी डाल के खुला सा पकने के लिए रख दिया। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून हल्दी और ये डालकर मैं इसको एक बॉईल आने तक पकाऊंगी। और जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा तो मैं फ्लेम को कर दूंगी लो और इस तरह से अच्छे तरीके से मसर को मैं पकने दूंगी तकरीबन आधे घंटे तक। या आधे घंटे में बेहतरीन मसर जो है वो बिल्कुल गल जाते हैं। यहाँ पर मसर को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा ये इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो बस मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। यहाँ पर मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं। सिंपल पानी के अंदर मैंने चावलों को जो बॉईल हुआ पानी तो उसमें डाल दिया। 1 चम्मच नमक का डाला था मैंने बॉईल होते हुए पानी में। और चावलों को हमेशा जब भी आप बॉईल करें या पकाएं 15 से 20 मिनट पहले नॉर्मल टैप वाटर में भिगो कर रख दें। और जब चावल बॉईल हो जाते हैं और नुचड़ने के करीब होते हैं तो उनकी निशानी ये होती है, जिस तरह से अब ये चावल फूल के सारे ऊपर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसका पानी सारा ड्रेन कर लूंगी। अच्छा, चावलों का पानी जो है वो सारा मैंने ड्रेन कर लिया। मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ नीचे तवा रख के, ठीक है। 4 मिनट जो है वो सफिशेंट है और इतने में मसर भी हमारे रेडी हो जाएंगे। इसके मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। मसर जो है मेरे पास वो बस गल चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप क्यूब ऐड कर दें, चिकन क्यूब। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस इसको सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद मैंने इसका भगार तैयार कर लेना। यहाँ पे मेरे पास चावल जो है वो एक बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने प्याज, एक प्याज है मीडियम साइज की और एक जवा लहसुन है, उनको काट लिया है। और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इनको बहुत ज़्यादा बारीक भी काट सकते हैं, ये चॉप भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मसर में दाल में थोड़ी ये पसंद है तो इसलिए मैं इसी तरह से कटिंग करके इसको डालती हूँ। भगार जो है रेडी हो चुका है, एंड पे बस मैंने इसमें सिर्फ ज़ीरा डाला है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी ये खुश्क मेथी है, ये मैं ऐड करके बस मैं इसको कवर कर दूंगी। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ उनकी फाइनल लुक। ये देखें जी, मसर चावल जो हैं वो डिश आउट हो चुके हैं। साथ में मैंने डाल दिया है इधर ऊपर अचार। अचार के साथ इनका टेस्ट हो जाता है दुबाला। ज़रूर कीजिएगा आप इस तरीके से ट्राई और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये डिश कैसी लगी। अगर आप हैं मेरे चैनल पर न्यू तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए मेरे चैनल को शेयर। दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।